वेलकम लेटेस्ट जॉब्स अपडेट्स। नंबर वन पे है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि UPSC कंडक्ट करवाती है। जी हाँ, नंबर टू पे है ISS, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, जो कि UPSC कंडक्ट करवाती है। नंबर थ्री पे है FCAT, इंडियन एयरफोर्स के अंडर आती है। और नंबर फोर पे है आपकी स्कीम्स, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो जी हाँ, चलिए बारी बारी से इन सब पे हम डिटेल में देख लेते हैं इनकी जॉब्स एलिजिबिलिटी, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, डेट क्या है इसकी। तो चलिए बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे जो आपकी है वो है NDA। वेलकम, जिस वक्त आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए डिटेल में इन जॉब्स को देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे है UPSC कंडक्ट करवा रहा है जो जॉब्स, वो NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे लेते हैं डिटेल में कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, 16 जून को ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट इसकी 30 जून को है। फिर से आपको बता दें, 16 जून को ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 जून को इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फीस पेमेंट चलान इसका ऑफलाइन वो जनरेट करना चाहते हैं तो 29 जून तक ये फॉर्म आप इसका चलान जो फीस के लिए वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें, इन्होंने जो डेट बताई है एडमिट कार्ड की, वो अगस्त में लिखा है इन्होंने आ सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट है वो सितंबर में होगा, अगस्त में एडमिट कार्ड आएंगे। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़। तो इसके बाद बता दें, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें, मैं मोर जानकारी बता दूँ तो जो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड होगा, आपको बता दें जॉब लोकेशन ऑल इंडिया। तो कैंडिडेट शेयरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ को बता दूँ, जो बच्चे जिनकी एज 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच जिन बच्चों का बर्थ है या इन डेट्स को, वो बच्चे एलिजिबल हैं NDA का इस फॉर्म, जो ये फॉर्म है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने नहीं बताई हैं, तो बस यही है। तो इसमें पोस्ट नेम है आर्मी बींग एंड एयर फोर्स एंड नेवल बींग। नेशनल डिफेंस अकेडमी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और नेवल अकेडमी करवाती है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 के कैंडिडेट इंट्री स्कीम होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर से आर्मी बींग के लिए कैंडिडेट, आर्मी बींग के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव कम्प्लीटेड देयर इंटरमीडिएट और 12th कम्प्लीट होनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए फिजिक्स और मैथ 12th में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बता दें, कैंडिडेट शुड बी फिजिकल फिट होना चाहिए। आगे आप बताएं, अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो अनमैरिड ही होंगे जिन्होंने अभी 12th की है। इसके बाद आपको बता दें, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 30 जून से पहले अप्लाई कर ले। तो अगर आप एक एक्सपर्ट से फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी आप एक एक्सपर्ट से फॉर्म फिल करवा सकते हैं घर बैठे। रिटर्न एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दें लास्ट में कि जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 16 जून से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, 16 जून से 30 जून तक। चलिए नेक्स्ट जॉब जो आपकी निकली हुई है, वो भी UPSC कंडक्ट करवा रहे हैं। उसमें जो जॉब्स है वो है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कंडक्ट करवा रहा है वो ISISS, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। तो इसके लिए ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। जो ये फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 10 जून 2020 को ये फॉर्म जो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो उसकी लास्ट डेट है वो 30 जून को है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट जो है वो 10 जून को हो जाएगा और लास्ट डेट 30 जून को है। 10 जून को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 30 जून को इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट जो उन्होंने बताई है वो 16 अक्टूबर 2020। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल अक्टूबर में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 200 है, वो सिर्फ जनरल OBC के लिए है। फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फ़ीस नहीं है, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, पेमेंट भी में तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, जब आप चालान भी जनरेट करके ऑफलाइन SBI बैंक में जमा करवा सकते हैं। आगे आपको एज लिमिट बता दें, वो 21 से 30 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल की
नंबर ऑफ पोस्ट जो है 47 है। तो वैकेंसी डिटेल आपको बता दी, वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ISS, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में 47 पोस्टें हैं, ठीक है। टोटल इसमें तो आपको बता दें, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैटिक्स, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है उसने सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए, स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन जो आपने डिग्री की है उसमें पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर से आपको बता दें 30 जून से पहले पहले। तो चाहिए क्या इसके लिए, आपको वोटर आईडी, अपना आइडेंटिटी कोई कार्ड है जो वो ले जाइएगा, साथ में फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, ये चाहिए। अगर आप एक ऑनलाइन एक्सपर्ट द्वारा फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं, हमारे द्वारा ये सर्विस भी घर बैठे प्रोवाइड करवाई जाती है, कमेंट करिए। चलिए थर्ड नंबर पे देख लेते हैं, जो जॉब है वो एफ कैट इंडियन एयरफोर्स में निकली हुई है, एफ कैट की वैकेंसी। तो ये आपको बता दें, जो बच्चे एफ कैट के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम जो उसमें अप्लाइंग होता है, ग्राउंड एनसीसी एंट्री, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जून को है, जी हाँ 15 जून 2020, ठीक है। लास्ट डेट जो इसकी है वो 14 जुलाई 2019, 14 जुलाई तक जो ये बच्चे हैं, जी जो 2020, ये 15 जून 2020 से लेके 14 जुलाई 2020 तक बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 जुलाई 2020 को उसकी लास्ट डेट है, 15 जून 2020 को ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट इन्होंने जो बताई है वो 20 सितंबर 2020। एप्लीकेशन फ़ीस एफ कैट एंट्री के लिए 250, ठीक है, 250 रुपये इसकी फ़ीस है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एनसीसी स्पेशल एंट्री जो बच्चे हैं, मेट्रोलॉजी एंट्री, उनके लिए फ़ीस नहीं है। पेमेंट भी तो ऑनलाइन पेमेंट होगी इसकी, वो ट्रेनिंग जो एड्रेस है वो उन्होंने बताया है एफए हैदराबाद। तो एज लिमिट इसकी बता दें 20 से 24 साल तक, 20 से 24 ईयर तक के बच्चे जो है इसमें फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 ईयर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्टें आती है इसमें। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको बता दें, वो एज़ पर रूल्स, वो आप नोटिफिकेशन कंप्लीट जो है वो पढ़ लीजिएगा इनके वेबसाइट पे जाके। टोटल पोस्टें जो है 256 पोस्टें हैं। तो ये भी मोटा मोटा आपको बता दिया, और मैं आपको बता दूँ SSC के लिए जो उसने बताई फ्लाइंग ब्रांच एफ कैट ब्रांच SSC 4074 सीट्स जो उसके लिए। ग्राउंड ड्यूटी में जो PC है एरोनॉटिकल इंजीनियर PC, वो 40 सीट्स हैं, SSC के लिए 26 सीट्स, ठीक है। तो फिर से आप पढ़ लीजिएगा, ग्राउंड ड्यूटी में भी इन्होंने अलग अलग बताई हैं। तो टोटल जो है 256 पोस्टें हैं। तो पे स्केल आप देख लीजिएगा जब जॉब लग जाएगी। तो फ्लाइंग ब्रांच ग्रेजुएशन डिग्री एनी स्ट्रीम, 60 मार्क्स चाहिए, पास फिजिक्स एंड मैथ। फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, उसके साथ 60% मार्क्स है पास फिजिक्स एंड मैथ। 12th में 60% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए फिजिक्स और मैथ में। तो या फिर BE BTech डिग्री हु हैव अटेन मिनिमम 60 इन एग्रीकल्चर, BE BTech जो है 60% में की होनी चाहिए, ये दोनों में से कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चल जाएगी। ग्राउंड ड्यूटी के लिए बता दें तो एनालिटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स 10+2 इंटरमीडिएट, मिनिमम 6% मार्क्स यू है इन फिजिक्स एंड मैथ। तो मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट बता दें, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट विद मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्वल डिग्री, तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में जो है ग्राउंड ड्यूटी के लिए चल जाएगी, कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम हो 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम 50% मार्क्स। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 50% मार्क्स भी चल जाएंगे, अगर ग्रेजुएशन की है तो 60% मार्क्स चाहिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो NCC स्पेशल एंट्री के लिए C सर्टिफिकेट चाहिए NCC का, सीनियर डिवीज़न
तो फ्रेंड्स यही थी लेटेस्ट अपडेट्स। एक और बता दें आपको, जो अपडेट है इसमें आपको बता दें फिर से कि जो जी एफ कैट का फॉर्म है जी 14 जुलाई से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो इसमें क्या चाहिए, आपके सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिएगा। तो इसमें होगा कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट, बस ये तीन फेजेज होंगी। तो सिलेबस की जानकारी भी हम लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जॉब्स अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बता दें, स्कीम्स जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ जो पोस्टें स्कीम्स में निकली हुई हैं। तो आपको बता दें डेट ऑफ जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 22 जून को ये फॉर्म जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई को ये इसकी लास्ट डेट है। 22 जून को स्टार्ट होगा और 15 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। तो उन्होंने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर्सन फॉर माइनर वाइफ एलिजिबल डोमिसाइल ऑफ जूनियन टेरिटरी, जो जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं वो ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर, 18 से 40 साल तक एज लिमिट है इसकी, जो भी है इसके बीच अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपर एज लिमिट भी है एक्स सर्विस मैन के लिए, जहाँ कैटेगरी वाइज वो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको और बता दें स्कीम्स में, जो मैं आपको बता देता हूँ पोस्टें कौन कौन सी हैं। तो चलिए नीचे पोस्टें देख लेते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। तो चलिए पोस्टों की बात कर लेते हैं। 183-185 के बीच में पोस्टें हैं। तो न्यूट्रिशन जो एजुकेशनिस्ट है तो वो चाहिए, टोटल पोस्टें 3 हैं इसमें। तो ये है इसमें MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग आती है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन टाइपिंग वाले। बाकी इसमें सारी जो है वो मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये नोटिफिकेशन का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप स्कीम्स का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कंप्लीट, अगर आपके लायक पोस्टें हैं, अगर आपने मेडिकल में कुछ किया है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, लिफ्ट मैकेनिक, मैट्रिक विद ITI चाहिए इसमें, मैट्रिक विद ITI चाहिए, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए वो आपको बता दिया, टाइपिंग आनी चाहिए, न्यूट्रिशन MSc चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूँ पेंटर है, ड्राफ्ट मैन है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस ITI होनी चाहिए। तो सुपरवाइज़र, वर्क सुपरवाइज़र में मैट्रिक ITI चाहिए इसमें भी, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी में चाहिए टेक्नीशियन, इसके बाद टेक्नीशियन थिएटर ग्रुप, इसमें आपकी BSc थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc थिएटर टेक्नोलॉजी में की होनी चाहिए, BSc साइकोलॉजी आ गई आपकी साइकोथेरापी, एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये साइकोथेरेपिस्ट जिसको अप्लाई करना चाहते हैं, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, BSc होनी चाहिए इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिएगा, बड़ी सारी पोस्टें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी जॉब्स की डिस्कस करनी है तो नोटिफिकेशन आपको लिंक मिल जाएगा। स्कीम्स में 183 के करीब पोस्ट निकली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और भी लेटेस्ट जॉब्स अपडेट जो जम्मू कश्मीर के लिए है, तो सेंटर्स के लिए है जो जम्मू कश्मीर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जाते जाते आपको लास्ट में बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक J&K बैंक की जो पोस्ट निकली हुई हैं वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है इसकी पोस्ट है जो 20 जून को अप्लाई हो जाएंगी, ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है।